क्या है? हाँ तो अभी चालू हुआ ना, तब से नहीं चालू था। बच्चों देखिए, जो अपनी एक करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करी थी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, सेल।
एक मिनट, ये मैं जरा देख रहा हूँ, पेंसिल, एप्पल पेंसिल जो है वो मेरी डिटेक्ट तो कर रहा है ये, बट इट इज नॉट गेटिंग चार्ज्ड। हाँ तो देखिए, आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे हम लोग किसकी, बैटरी या सेल्स। जैसा आप लोगों को पता है कि हमें किसी भी तार में, कंडक्टिंग वायर में अगर करंट फ्लो कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने मेंटेन कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। अब ये कैसे मेंटेन करोगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड? बच्चे देखो, ये मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक कोई सेल या बैटरी। सेल का यही काम होता सेल मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेल एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट्स सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, सोलर भी हो सकता है, इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, है ना। अब जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली केमिकल सेल की बात करूं तो उसमें क्या होता है बेटे, हम कोई दो ऐसे इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आप पढ़ते हैं उनमें काफी दूर दूर होते हैं, एक काफी ऊपर होता है एक काफी नीचे, सो दैट वन इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज या टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल होने पर भी उसकी केमिकल कंपोजिशन की वजह से उसकी ऐसी टेंडेंसी होती है। इट हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है उसकी क्या टेंडेंसी होती है, इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नोट दैट दीज टेंडेंसीज आर नॉट ड्यू टू द चार्जेस ऑन देम, उस पे इन दोनों पे चार्ज नहीं है, ध्यान दो, ये भी एक न्यूट्रल है, ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल है। दीज टेंडेंसीज आर ड्यू टू देयर केमिकल कंपोजिशन। ये दोनों न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने के बाद भी इनकी ऐसी टेंडेंसी है। अभी क्या है, कोई मीडियम नहीं है जिसके के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज को खींच पाए अपनी तरफ, या ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच पाए। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इनको रखते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या है बेटे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पहले से ही रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, बिकॉज दिस इज एन आयनिक सॉल्यूशन, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, वो आयंस इसमें रहते हैं। अब ये आयंस बेसिकली क्या करेंगे बच्चों, जो आपकी लेफ्ट वाली प्लेट है ना, ये पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी,
और ये जो राइट वाली प्लेट है वो पॉजिटिव आयंस को रिपेल करेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव आयंस पे फोर्स क्रिएट हो जाएगा, इस फोर्स को बैटरी फोर्स बोलते हैं बच्चों, इस फोर्स को क्या नाम देते हैं, बैटरी फोर्स, ठीक है। ये किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो आयंस है उन पे ये फोर्स लग रहा है। अच्छा, अगर ये बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करें, बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन पर कूलम होती है कि नहीं होती? हाँ सर। तो बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज की यूनिट भी कैसी आएगी, न्यूटन पर कूलम ही आएगी। लेकिन ध्यान दो, ये जो बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये किसी स्टैटिक चार्ज की वजह से आया हुआ फील्ड नहीं है, ये तो क्या है, इनकी एक नेचुरल टेंडेंसी को शो कर रहा है। ये जो बैटरी फोर्स है ये क्या शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन, ये इनकी टेंडेंसी को शो कर रहा है, प्लेट्स की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की टेंडेंसी को शो कर रहा है। अब क्या होगा, ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सर आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है, एक मिनट। ये इस तरह का
नहीं आ रहा है मेरा वाईफाई ले लो। नहीं नहीं आ रहा है। हाँ बेटा ये बात समझ में आती है तुम्हें? आवाज आ रही है अब मेरी? सर एक वो COS4 के बाद वाला बता दो। तो देखो क्या है, ये बैटरी फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ये बात समझ में आ रही है आपको? और ये देखो ध्यान दो, ये बैटरी फोर्स इस चार्जेस की वजह से नहीं है, ये चार्ज नहीं भी होगा तब भी क्या होगा, ये बैटरी फोर्स तो लगेगा, और इस बैटरी फोर्स की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट हो रहे हैं। इस बैटरी फोर्स की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, मतलब लेफ्ट वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव आयन्स लेफ्ट वाली प्लेट पे एक्यूमुलेट होंगे। अब एक्यूमुलेट कैसे होंगे, मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, पॉजिटिव आयन्स इसके पास अट्रैक्ट होकर के वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, और जैसे Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू कॉपर, तो यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो क्या आ गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन्स किए तो इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर प्लेट का प्लेट अगर न्यूट्रल है तो फिर उनके पास उनका टेंडेंसी ऐसा क्यों है? हाँ, उनका टेंडेंसी ऐसा क्यों है, देखो आप अपन इसके बारे में पढ़ते हैं ना बेटे, क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ते हैं? हाँ सर। और एक वो आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ते हैं, लिथियम, पोटेशियम, है ना, बैरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, है ना, ये सीरीज पढ़ी है आपने। अब हम नहीं बोलते हैं कि जैसे मान लो मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं या सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे। जैसे मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है 1s2 2s2 2p1 है मान लो, तो इसकी तो टेंडेंसी होगी ना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। हाँ सर। It will, because of its electronic configuration, it will have a tendency to lose electron. या यूं कहें कि positive charge को attract करने की tendency है इसकी। Electron lose करने की tendency है या positive charge को attract करने की tendency। वो electron भाई, वो electron लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो वो कौन लेगा? इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये जो पॉजिटिव आयन है उसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, भाई ये लो तुम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन संभालो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है इसी को हम कह रहे हैं कि
पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने के रिजल्ट की वजह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा बच्चे। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या टेंडेंसी हो किसी के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की या पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करने की डिस्पाइट इट बीइंग न्यूट्रल? है ना, उसी तरह से मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो कि 2p5 हो किसी के कॉन्फ़िगरेशन में, 1s2 2s2 2p5, तो क्या उसकी टेंडेंसी नहीं होगी कि वो एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले? क्यों भाई? उसकी टेंडेंसी होगी कि वो एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले या पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दे, भाई उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, बेसिकली ये बात है। अब देखो तो ये नेचुरल टेंडेंसी समझ में आई ना अपने को? एफ बी को क्या नाम देता हूं मैं? बैटरी फोर्स। और ध्यान देना बेटे, इसको मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ये किसी स्टैटिक चार्ज की वजह से डेवलप हुआ वो वाला फोर्स नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसके पास, और ये इस बैटरी फोर्स का वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं ईएमएफ। ये क्या होता है? दिस इज वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इस कॉल्ड एज ईएमएफ। और ईएमएफ की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट, और देखो ईएमएफ जो है ना बेटे ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है फिजिक्स में। पहली बात तो क्या है, इसका नाम ही अजीब दिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट ये बात ध्यान रखनी है कि ये एक फोर्स नहीं होता, दिस इज नॉट ए फोर्स एक्चुअली। ये फोर्स नहीं है, इसकी यूनिट तो क्या है? वोल्ट है। ये वर्क टन पर यूनिट चार्ज है। किसका वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज? जो बैटरी फोर्स का, जो हमने इनहेरेंट टेंडेंसी दिखाई थी चार्जेस की मूव करने की बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनसाइड दिस दीज टू इलेक्ट्रोड्स।
ये इलेक्ट्रोड का चयन ही इस तरह से किया जाता है, दीज आर सेलेक्टेड इन सच ए मैनर दैट वन हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अदर्स अदर हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, या वन हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, अदर हैज अ टेंडेंसी टू रिपेल पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आती है बेटा? अच्छा, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? एम आई ऑडिबल? हाँ सर। यस। अब देखो बेटे क्या है कि ये जो इनकी टेंडेंसी है इस तरह की, और जिस टेंडेंसी की वजह से क्या हो गया है, अब एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, दूसरी प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अब इसके पास आ गया है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, इस डायरेक्शन में एक अब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इस डायरेक्शन। कौन सा फील्ड डेवलप हो जाएगा बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसको एफ या ई ही लिख देता हूं सीधे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो क्या है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जो आयंस हैं, उन पे जिस डायरेक्शन में बैटरी फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगे, है ना? तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम मतलब ये आयंस मूव करना कब बंद कर देंगे, जबकि उनपे फोर्स लगना बंद हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाना चाहिए किसके, बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, या मैं ऐसे लिखता हूं बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये बराबर हो जाना। थ्योरेटिकली इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बिकम्स इक्वल टू बैटरी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटे?
अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसकी वजह से अब हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो जिस बैटरी की पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी थी वो हाई पोटेंशियल पे आ जाएगी, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की थी वो लो पोटेंशियल पे आ जाएगी। हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? और इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि देखो अब आप ऐसे देखिए कि ईएमएफ किसके बराबर होता है। ईएमएफ इज वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो एफ बी डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, ई डेल्टा एल होता है ये, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल, ये ऐसा हो जाए। ये बात सुन में आती है? और इक्विलिब्रियम में जैसा हमने कहा कि भाई ये दोनों चीज तो बराबर हो जाती है, इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे कि इन इक्विलिब्रियम ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस के ही बराबर हो जाएगा, या यूं कहें कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ इज इक्वल टू कितना, टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान दो बच्चों, एक बार ये क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है किसमें, जो ओलंपियाड स्टेज वन का एग्जाम होता है अपना एनएसईपी नाम से पहले होता था, उसमें भी आया हुआ है, केवीपीवाई में भी आया हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि काफी हाई चांसेस हैं कि जेई भी कभी कभी इस क्वेश्चन को तो पूछेगा तो सही। क्या उन्होंने कैसे पूछा था कि इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, दो तरह के फील्ड बैटरी के अंदर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दूसरा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्या ये सही है या गलत, इस तरह का ऑप्शन अगर आपको दिया जाए तो। बोलिए बच्चों।
दो तरह के फील्ड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. इज इट करेक्ट और रॉन्ग? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा ना? नहीं भाई, तो ये जो बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज है इसको नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल सकते हैं ना? हाँ, बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोल सकते हैं? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसको बोल सकते हैं. बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. जी बात समझ में आती है? हाँ सर. दूसरा, व्हेन इन एन ओपन टर्मिनल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन एन ओपन टर्मिनल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. क्या ये बात सही है या नहीं? बोलिए बच्चा. यस सर. तो इस वजह से क्या है, देखो आप कई बार ऐसे भी देखोगे कि ये डेफिनेशन भी लिखी होती है कि ईएमएफ इस टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस अ सेल when no current flows through it. EMF is terminal voltage across a cell when no current flows through it. ये बात समझ आ रही? आपने ये कैसे किया? हाँ भाई, देखो जब सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, है ना भाई? जो अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं वो तो अपने आप ही फटाफट से आई जाएगी ना सेल के अंदर बेटे, नहीं आ जाएगी? हाँ सर. तो क्या होगा, और वहां पर ये जैसा हमने बताया है ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, इसमें लिखा है ना भाई, ईएमएफ इतना होता है वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो ये फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज और डेल्टा ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका वर्क डन. नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा है. ये बात समझ में आती है? यस सर.
अब जब करंट फ्लो करने लगेगा तब क्या होगा? Let's say yes, sir. अब हम क्या करें, ये जो टर्मिनल्स है इन टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं कोई कंडक्टिंग वायर। हमने कनेक्ट कर दिया कोई कंडक्टिंग वायर, अब क्या होगा बेटे? ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, क्या इसमें हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, है ना, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इधर क्या है? बैटरी फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से क्या है, ये इस वायर में करंट एस्टैब्लिश हो जाएगा बेटा, है ना, इसमें करंट एस्टैब्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दें। अब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे तो क्या होगा? वायर करंट जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वायर में एस्टेब्लिश हो चुका है। अब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करेंगे, इस पे आएंगे, तो ये और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और यहां पर और बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और मतलब बैटरी के अंदर जो है वो करंट इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर मूव करे, नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव करे। इसको सर्किट में अपन कैसे दिखाते हैं, सर्किट सिंबल ऑफ दिस एंटायर सेटअप इज दिस, ये ऐसे सिंपलीफाइड मॉडल से अपन इसको दिखा देते हैं। हम कहते हैं साहब इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ये बैटरी का कुछ ईएमएफ है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये बड़ी लाइन मतलब हाई पोटेंशियल, छोटी लाइन मतलब लो पोटेंशियल, है ना, बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऐसे लेफ्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इसमें कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है, करंट कैरियर्स इन द वायर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट कैरियर इनसाइड द बैटरी
आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. Are positive and negative ions of electrolytic solution. अब देखो जब करंट फ्लो होगा ना तो उस केस में क्या होता है बेटे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो छोटा हो जाता है. किससे? बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज. क्योंकि बराबर की कंडीशन तो हमने तब लिखी थी जब इक्विलिब्रियम है ना. तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब ये छोटा होगा किससे? बैटरी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ये बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर. है ना. और इसकी वजह से ही क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डेल्टा एल से मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज आ जाता है. ये छोटा हो जाता है किससे? ईएमएफ से. है ना. तभी तो चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती और बैटरी फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होती. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटा हो जाएगा तभी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर. हाँ बेटे. सर पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या डिफरेंस? हाँ, पोटेंशियल और ईएमएफ में ये डिफरेंस है बेटे, भाई मैंने बताया. पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जहां पे होता है ना वहीं पे अपन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं. ईएमएफ जो है वो तो किसी भी तरह के फोर्स के लिए आप डिफाइन कर सकते हो, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, है ना. पोटेंशियल सिर्फ किसके लिए डिफाइन किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए डिफाइन किया जाता है. तो पोटेंशियल कहां से आता है? पोटेंशियल एनर्जी से ही आता है ना. अब अगर मान लो कोई नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं अपन? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है.
तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है तो पोटेंशियल का भी कोई मतलब नहीं है वहां पे, वो तो सिर्फ वर्क डन है। देखो वर्क डन आप फ्रिक्शन का भी निकालते हो, वर्क डन आप ग्रेविटी का भी निकालते हो। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात करूं कि क्या है, हमने क्या किया बेटे, एक कोई रफ सरफेस है उस पे एक ब्लॉक को कुछ यू वेलोसिटी दी और उसकी जगह मैंने क्या किया कि ग्राउंड सरफेस से एक ब्लॉक को यू वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया। क्या दोनों ही केस में इस ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क होगा थोड़ी देर के लिए? ये इस वाले केस में कौन नेगेटिव वर्क करेगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी लेस देन जीरो और इसकी वजह से ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे भी वर्क डन बाय ग्रेविटी is less than zero implies block की kinetic energy यहां भी कम हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, क्या ऐसा बोल सकते हैं? तुम कैन इन दिस केस केस वन कैन वी से दैट पोटेंशियल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड? क्या सेकंड केस में बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है? यस सर। यहाँ बोल सकते हैं अपन, यहाँ पर हम नेगेटिव वर्क को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। केस वन में नेगेटिव वर्क को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट नहीं कर सकते हो आप, है ना? तो हर तरह के फोर्स के साथ आप पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं करते हो, वो सिर्फ कुछ ही फोर्सेस होते हैं। कौन से फोर्स होते हैं? वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही अपन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ईएमएफ, देखो दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं। ईएमएफ की डेफिनेशन क्या लिखी है हमने? वर्क डन बाई बैटरी फोर्स। ये बैटरी फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव है। ये कैसा है बेटे? नॉन कंजर्वेटिव। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज ईएमएफ, है ना? जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना? देखो जब तक इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ की वैल्यू सेम ही दिखाई देगी आपको, लेकिन जब इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा तो उस केस में क्या है, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ बेटे बोलिए। अच्छा, उसी तरह से क्या होगा, अगर मान लो बैटरी में करंट कभी ऐसे फ्लो करने लग जाए इस तरह से, बैटरी में करंट कभी ऐसे फ्लो करने लग जाए
तो इस केस में क्या होगा बेटे, पॉजिटिव चार्ज को अगर आपको इधर देख भेजने को, बैटरी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे। आपको चार्ज को फ्लो कराना है इस डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो बैटरी फोर्स से बड़ा हो जाएगा, बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को डेल्टा एल से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसका वर्क निकालते हैं, तो क्या आता है, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बड़ा हो जाता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, ये बड़ा हो जाता है किससे, इसको डेल्टा एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईएमएफ मिलेगा, ये ईएमएफ्स। ऐसा कब होगा, व्हेन बैटरी एक्ट्स एज अ लोड, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये बात समझ में आ रही है। और ऐसा कब होगा, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रो। या व्हेन बैटरी एक्ट्स एज सोर्स, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे, ध्यान दो हम क्या लिखते हैं, हम एक, और एक्चुअल में ये कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बैटरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। तो यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज होगा ये बराबर होगा ई माइनस आई आर, और इधर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा ये बराबर होगा ई प्लस आई आर। क्या ये बात समझ में आती है बेटा,
आर को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वी प्लस माइनस वी माइनस होता है टर्मिनल वोल्टेज। सर एक बार लास्ट वाला केस दिखा दीजिए ना। हाँ सर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये पहले वाले केस में हम क्या कर कह रहे हैं, बैटरी इज एक्टिंग एज अ सोर्स। और इस केस में बैटरी इज एक्टिंग एज अ लोड। ये लोड और सोर्स की बात क्या है? लोड और सोर्स की बात बस इतनी सी है बच्चों कि देखो ये जो केस हमने लेफ्ट में दिखा रखा है इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो हो रहा है। इसका मतलब उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और वो बैटरी में से पास होने की वजह से बढ़ रही है, मतलब बैटरी ने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया है ना। तो बैटरी बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रही है। लेफ्ट में क्या हो रहा है, बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो जैसे मान लो क्या है, आपका आप मोबाइल यूज कर रहे हो कोई, और उस मोबाइल की एक बैटरी है ना, आपने चार्जर वगैरह से कनेक्ट नहीं कर रखा है उसको, वो बैटरी, अब वो मोबाइल के जो स्क्रीन है उसमें एलईडी ग्लो कर रही है या जो भी प्रोसेसिंग उसका प्रोसेसर है वो प्रोसेसर चल रहा है, तो वो जो पावर जो भी मिल रही है उसको, वो कहाँ से मिल रही है, वो मोबाइल की बैटरी से ही मिल रही है। तो वो पूरी एनर्जी मोबाइल की बैटरी ही सप्लाई कर रही है। सेकंड वाला जो केस है उस केस में क्या है, बैटरी इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है। मतलब कंसिडर द केस कि मान लो क्या है, अपना मोबाइल वगैरह जो है वो स्विच ऑफ है और हमने क्या किया हुआ है, उसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तो उस केस में मोबाइल की जो बैटरी है वो क्या कर रही होगी, मोबाइल की जो बैटरी है वो एनर्जी कंज्यूम कर रही। देखो इस केस में क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है ना, तो उस पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और वो कम होकर के क्या हो रहा है,
कौन कम कर रहा है उसको, बैटरी की वजह से कम हो रही है, बैटरी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ऑफ कोर्स सर्किट में कोई और एनर्जी का सोर्स होगा, जैसे जब मोबाइल चार्ज हो रहा होता है तो जो मेंस की जो पावर सप्लाई है जहां से बिजली का कनेक्शन हमने लिया हुआ है वो सोर्स है एनर्जी का, है ना। उसी तरह से लेफ्ट वाले केस में कोई और लोड होगा, है ना। मोबाइल की बैटरी चार्जिंग जब हम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से चार्जिंग से हटा करके मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में लोड क्या है, प्रोसेसर, मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो लोड है, मोबाइल की जो स्क्रीन है वो लोड है, ये सब लोड। समझ में आएगा एक बार रिपीट कर दूं। देखो मैंने क्या बताया, दो केस हो सकते हैं, बैटरी में करंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फ्लो करे जैसा लेफ्ट साइड में दिखाया गया है, या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड में फ्लो करे, है ना। पहला वाला केस कौन सा होता है, आपने कोई टॉय है, उस टॉय में खिलौना है, उसमें सेल लगाया और वो कुछ काम करता है, उछल, मान लो कोई छोटा सा पप है, पेट, छोटा सा पप, मोबाइल पप, वो टॉय पप, उसमें आपने सेल लगाया, वो उछलता है, ऊपर नीचे कूदेगा, आगे पीछे घूमेगा, तो उस केस में क्या हो रहा है, वो जो सेल है वो सोर्स का काम कर रहे हैं, लेफ्ट वाला केस है ना। दूसरा क्या हो सकता है भाई, आपके वो जो सेल है वो रिचार्जेबल बैटरीज है, आपने उनको हटा लिया, बैटरी चार्जर में लगा करके सॉकेट में कनेक्ट कर दिया, उस केस में क्या है, बैटरी चार्ज हो रही है, सेल इज गेटिंग चार्ज्ड, है ना। लेफ्ट वाले केस में सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज, राइट वाले केस में सेल इज गेटिंग चार्ज्ड। अब जैसा कि हमने बताया था कि करंट को अगर मुझे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो कराना है ना, जैसे ये वाला केस है, ये वाला केस, करंट किधर फ्लो हो रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, बैटरी फोर्स तो के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बड़ा होना चाहिए, और बैटरी फोर्स इसका मतलब ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होना चाहिए, या कहें कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में हमने लिख दिया टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से छोटा होगा, कितना छोटा होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा करंट पर यूनिट, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम, या कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये जो राइट साइड में जो केस बना रखा है मैंने, इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड फ्लो हो रहा है, तो इस केस में क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज्यादा है, बैटरी फोर्स कम है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज्यादा है तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है, टर्मिनल वोल्टेज को ईएमएफ से ज्यादा लिखेंगे, ई प्लस आई आर लिखेंगे उसको। इस केस में बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है, सोर्स कोई और है सर्किट में। लेफ्ट वाले केस में क्या हो रहा है, बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, इसमें लोड कोई और है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए बच्चों क्या है, अच्छा ये बात हम किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए बोल सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो
उसमें करंट इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। मान लो करंट फ्लो हो रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इस डिवाइस को क्या कहोगे बेटे, लोड या सोर्स? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या सप्लाई कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, इट इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉल्ड एस, हेंस इट इज कॉल्ड एस लो। दूसरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड करंट फ्लो करेगा अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है। इसको क्या नाम देंगे? और देखिए कि पावर कंज्यूम्ड या सप्लाइड का क्या फॉर्मूला लिखेंगे। पावर कंज्यूम्ड और सप्लाइड, जैसे अगर टर्मिनल वोल्टेज V है बेटे, है ना, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल में डिफरेंस V है, तो आप ऐसे देखिए, मान लो कि अगर BQ चार्ज फ्लो करता है तो उस चार्ज की एनर्जी में कितना डिफरेंस आ गया? क्या DQ इंटू V के बराबर की एनर्जी उसकी इस केस में बढ़ गई और इस केस में DQ इंटू V के बराबर की एनर्जी उसकी कम हो गई? और अगर ये DT टाइम में ऐसा हुआ है तो इंक्रीज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम, और यहां पर डिक्रीज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालोगे तो क्या ये करंट इंटू वोल्टेज के बराबर आ जाएगा? क्या ये भी करंट इंटू वोल्टेज के बराबर आ जाएगा? है ना, यहां पर इस केस में अपन इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। केवल सुनना भी है,
किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा पावर कंज्यूम्ड या सप्लाइड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों? V मल्टीप्लाइड बाई I। है ना? अब जैसे अपने पास तीन केसेस तो इधर ही आ जाते हैं, जैसे रेजिस्टर। रेजिस्टर में हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही फ्लो करता है। तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना होगा? V इंटू I, या V को लिखेंगे आई आर, तो ये हो जाएगा कितना? आई स्क्वायर। फिजिकली ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पावर्स कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम है। बैटरी एज अ सोर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड का क्या फॉर्मूला है? E माइनस आई आर इंटू आई, तो ये हो जाएगा E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर। और अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो पावर कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला होगा? E इंटू आई प्लस आई स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड। रेजिस्टर ऑलवेज एक्ट्स एज लोड। सेल सोर्स की तरह भी काम कर सकता है, लोड की तरह भी काम कर सकता है। ध्यान दो, इसमें ये जो E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर या E इंटू आई प्लस आई स्क्वायर आर है, इसमें E इंटू आई क्या बताता है? ये बताता है वर्क डन बाय या अगेंस्ट बैटरी फोर्स। पर यूनिट टाइम या बेसिकली ये किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ कंजम्पशन और
रेट ऑफ इसको ऐसे लिखें, रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड और गेटिंग कंज्यूम्ड इन द बैटरी। Rate at which chemical energy is getting stored or getting consumed in the battery. क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? और आई स्क्वायर आर क्या है? रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द बैटरी। है ना? तो जब बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है तो क्या हो रहा है? E इंटू आई की रेट से केमिकल एनर्जी कम हो रही है और आई स्क्वायर आर उसमें से बैटरी के अंदर ही कंज्यूम हो जा रहा है और ले दे करके पावर आउटपुट इतना। और इसके अंदर क्या हो रहा है? बैटरी जो पावर कंज्यूम कर रही है उसमें से E इंटू आई वाला पार्ट तो उसके अंदर फिर से केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है, और आई स्क्वायर आर वाला पार्ट जो है वो बैटरी के अंदर ही हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है। तो जो पावर बैटरी कंज्यूम कर रही है वो इतना पावर कंज्यूम कर, और यहाँ पे क्या है, जो पावर बैटरी के थ्रू सप्लाई हो रहा है वो
क्या बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? हाँ भाई आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके हाँ सर। ओके अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि ये एक रेजिस्टर है, ये एक बैटरी है, इसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और इसका रेजिस्टेंस है 9 ओम। हमें पता करना है फाइंड करंट थ्रू द बैटरी। पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टर, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ केमिकल एनर्जी इन बैटरी, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बैटरी। तो कैसे करेंगे भाई इसको? देखो बेटे, सर्किट में एक सोर्स तो होना ही चाहिए कम से कम, क्या ये बात मानते हो आप लोग? देयर शुड बी एट लीस्ट वन सोर्स इनसाइड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या रेजिस्टर कभी सोर्स की तरह से काम कर सकता है क्या? भाई रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर एक सिंपल वायर है, उसके अंदर थोड़ी ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा और करंट फ्लो करवाने लग जाएगा। वो तो सिर्फ हमेशा लोड की तरह से ही काम करेगा। तो इन दिस केस बैटरी विल हैव टू एक्ट एज सोर्स और वो इस तरह से करंट फ्लो करवाएगी। या दूसरा तरीका इसी चीज को देखने का था कि भाई जैसे कोई ओपन बैटरी होती है तो उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हाई पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लो पोटेंशियल पे होता है। आपने रेजिस्टर को उसके क्रॉस कनेक्ट किया तो रेजिस्टर में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करना है लगेगा इस तरह से। अब मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी कितना होगा? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी होगा E माइनस आई आर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई इंटू 9। तो यानी 10 इज इक्वल टू आई इंटू 10। तो आई की क्या वैल्यू आ जाएगी?
वन एम्पीयर। क्या ये बात सुनना आती है बेटा? Yes, तो ये तो करंट हो गया है ना। ये मैंने क्या किया, जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ये पूरा, इसको रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वेट कर दिया। ये बराबर होना चाहिए क्योंकि सेम पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, तो बैटरी सोर्स की तरह से काम कर रही है तो पावर सप्लाई ही कर रही है, और पावर सप्लाइड का क्या फॉर्मूला होता है, E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर। E कितना है 10, करंट है 1 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो 10 माइनस 1 क्या 9 वॉट के बराबर का पावर सप्लाई हो रहा है क्या? तीसरा क्वेश्चन क्या है, पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टर, तो पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर का क्या फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर। क्या वो 9 वॉट के बराबर ही आ जाएगा? और ये होना भी चाहिए था भाई, इस सर्किट में दो ही तो एलिमेंट है, एक रेजिस्टर है एक बैटरी है। बैटरी पावर सप्लाई कर रही है, रेजिस्टर पावर कंज्यूम कर रहा है, तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी इक्वल टू पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर। क्यों भाई? फिर उसके बाद रेट ऑफ डिग्रीज ऑफ केमिकल एनर्जी, तो रेट ऑफ डिग्रीज ऑफ केमिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज ई इंटू आई। EMF is 10, current is 1, तो ये 10 वॉट आ जाए। अगला क्या है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बैटरी, तो वो आई स्क्वायर स्मॉल आर हो जाए। क्या उसको 1 वॉट ऐसा लिख सकते हैं? है ना बेटे? तो क्या ये पूरी गणित समझ में आई तुम्हें, क्या हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे? Yes, sir. E into I की रेट से बैटरी की केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो 10 वॉट आ रहा है, उस 10 वॉट में से 1 वॉट बैटरी के अंदर ही हीट जनरेट हो जा रही है,
बचा 9 वॉट. 9 वॉट हमको हम बोलेंगे कि ये पावर सप्लाइड बाय द बैटरी है. और ये पावर बैटरी किसको सप्लाई कर रही है? वो एक्सटर्नल रेजिस्टर आर को. तो पावर कंज्यूम बाय एक्सटर्नल रेजिस्टर आर का भी क्या फॉर्मूला आ रहा है? 9 वॉट उसका भी फॉर्मूला आ रहा है. क्लियर है बेटे? यस सर. सर, सर 10 मिनट का ब्रेक मिल सकता है? हाँ 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 ठीक है बेटे. ठीक है बच्चों, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना? फिर अपन मिलते हैं. हाँ बच्चों, देखो बच्चों क्या है, स्टार्ट करें अभी वापस.
अब देखो बेटे क्या है, भाई मान लीजिए कि ये आपके पास कोई एक जनरल सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस को हम बोल रहे हैं कैपिटल आर, बैटरी का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, करंट फ्लो हो रहा है आई। क्या है पावर आउटपुट ऑफ द सेल, अगर हम देखें तो वो कितना होगा, विल इट बी सेम एज पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर। बोलिए बच्चा कैसा बोल सकते हैं। हाँ बेटे आवाज आ रही है मेरी। यस सर। ओके अब क्या है, पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर को हम आई स्क्वायर आर ऐसा लिख देंगे और आई की वैल्यू है ई अपॉन आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसका होल स्क्वायर इनटू कैपिटल, है ना। अब देखिए हम ये पता लगाना चाहते हैं कि व्हाट मैक्सिमम पावर आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन सेल। मतलब मैंने ई और स्मॉल आर को तो फिक्स कर दिया है और कैपिटल आर को हम वेरी कर रहे हैं। देखो अलग अलग एक्सटर्नल रेजिस्टर हम लगाएंगे तो उससे अलग अलग पावर ऑब्टेन की जा सकती, एक सेल से अलग अलग पावर आउटपुट ऑब्टेन किया जा सकता है। ध्यान दो हमने ये चीज को फिक्स रखा हुआ और कैपिटल आर को वेरी कर रहे हैं तो क्या होगा, पावर आउटपुट को हम ऐसे लिख दें आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर आर, तो क्या ये e स्क्वायर अपॉन r प्लस r स्क्वायर बाय r प्लस 2r ऐसा आ जाएगा।
है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम जीरो रख दें तो सेल का पावर आउटपुट जीरो ही मिलेगा अपने को, मिलेगा ना। Yes. अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रख दें तो सेल का पावर आउटपुट कितना मिलेगा? देखो इस एक्सप्रेशन में पुट करो आर को इनफाइनाइट, जीरो ना, जीरो मिलेगा, बिल्कुल है ना। देखो इनका बेसिक कारण क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, चलो आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पे तो समझ में आता है अपने को कि क्यों जीरो मिल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो करंट ही जीरो हो जाएगा, करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो पावर आउटपुट क्या मिलेगा, है ना। लेकिन जब रेजिस्टेंस बहुत कम कर दिया मैंने तब तो करंट खूब फ्लो कर रहा है ना, तब क्यों पावर आउटपुट जीरो मिल रहा है? देखो क्यों हो रहा है ऐसा, ये बात सही है कि जब रेजिस्टेंस कैपिटल आर जीरो हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, सबसे ज्यादा फ्लो करेगा, लेकिन जो भी अगर हम पावर की बात करें तो जो भी एनर्जी केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी वो बैटरी के अंदर ही हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। Whatever energy is getting consumed inside the consumed in the battery will be dissipated inside the battery itself. क्योंकि आप देखिए कि अगर रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो करंट E by small r आ जाएगा क्या? Yes sir. और अगर करंट E by r आया तो Let us calculate the value of E into I. E into I की value क्या हो जाएगी? E into E by R. तो E square by R आ जाएगा. ये क्या था? Rate at which chemical energy is decreasing. है ना? और I square R की क्या value आ जाएगी? E square by R square into R. तो ये E square by R आ रहा है। तो क्या ये rate of heat produced inside the battery इतना आ रहा है? तो जिस रेट से बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वही रेट किसके बराबर आ गया? रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द बैटरी के बराबर आ गया। आ गया या नहीं बेटा? बोलिए।
तो इस वजह से R इक्वल टू जीरो पर करंट सबसे ज्यादा होने के बाद भी पावर आउटपुट जीरो मिलता है, है ना? अब भाई हम ये देखना चाह रहे थे कि कैपिटल R की किस वैल्यू के लिए सेल से मैक्सिमम पावर निकाला जा सकता है। तो हमने देखा कि कैपिटल आर को जीरो रखा तब भी पावर आउटपुट जीरो है, कैपिटल आर को इन्फिनिटी रखा तब भी पावर आउटपुट जीरो है। तो क्या हो गया भाई उससे? देखो तो ये पावर आउटपुट फ्रॉम ए सेल वर्सेस कैपिटल आर का ग्राफ ऐसा आता है। बच्चा ध्यान दो, यहाँ पे कैपिटल आर तो ऑफ कोर्स वेरी कर ही रहे हैं अपन, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने फिक्स रखा हुआ है, उनको वेरी नहीं कर रहे, तो ऐसा ग्राफ इसका आता है। तो बात क्या है भाई, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसी एग्जिस्ट करती है जहां पर पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा, है ना? वो कौन सी होगी? क्या वो हम डिफरेंशिएशन से पता लगा सकते हैं? पावर आउटपुट का जो एक्सप्रेशन हमने देखा है वो E स्क्वायर अपॉन R प्लस R स्क्वायर बाय R प्लस 2R के बराबर है। अब अगर मेरे को पावर आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है तो इस चीज को मिनिमाइज करना होगा, यानी डी बाई डी आर ऑफ आर प्लस आर स्क्वायर बाई आर प्लस टू आर ये जीरो हो जाना चाहिए। कैपिटल आर ही तो वेरिएबल है हमारा, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कैपिटल आर का डिफरेंशिएशन वन, अगली वाली टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और उसके अगली वाली टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्या कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होती है? ये क्या बताता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है वो उस पॉइंट पे मिल रही है जब कैपिटल आर बराबर हो रहा है किसके, स्मॉल। हम क्या लिख सकते हैं, टू ड्रॉ मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ सेल of given EMF and internal resistance capital R must be equal to small. क्या ये बात समझ में आती है?
to draw maximum power from a cell of a given EMF and internal resistance, capital R should be equal to kitna small? और जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, देखो कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर रख दो तो आर प्लस टू आर मतलब फोर आर आ जाएगा। तो पावर आउटपुट की जो मैक्सिमम वैल्यू एक सेल से ऑब्टेन की जा सकती है क्या वो e स्क्वायर बाई फोर आर के बराबर? मैक्सिमम पावर आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल इज e स्क्वायर बाई फोर। बोली भाई क्या ऐसा कर सकते हैं? यस सर। इसका एक एस्पेक्ट और होता है, देखो क्या है। मान लो आपको पावर आउटपुट मैक्सिमम नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए विच इज लेस देन मैक्सिमम, है ना। तो ऐसी पावर आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए आपके पास दो रेजिस्टर आप यूज कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर। You can use two different resistors and obtain some other power output which is less than maximum. कैसे? देखो जो हमने देखा था इन दो resistances की value में क्या relation होगा आपस में वो देखते हैं। तो P को लिख दिया मैंने E upon R plus R का whole square into capital R, तो P into R plus R का whole square is equal to E square into R, तो P R square plus R square plus 2 RR equal to E square into R, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर में अगर आप देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये बात समझ में आ रही बेटा? अब देखो इसमें इसके कैपिटल आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसकी बात करें, आर वन एंड आर टू आर प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ आर वन एंड आर टू आर रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
basically R1 and R2 are two values of external resistance R for which a power output P can be obtained. तो क्या होगा, क्या R1 R2 को हम product of roots को C by A लिखते हैं ना, था तो ये है C और ये है A, तो P R square by P, क्या ये R square के बराबर आ रहा है? बोलो बेटे। क्या आर वन इन टू आर टू आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा? है ना, मतलब कोई हमसे कहे कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का 6 ओम है ना, और इससे मैंने एक 4 ओम का रेजिस्टर लगा करके कुछ पावर आउटपुट ऑब्टेन किया, तो एक और कौन सा रेजिस्टर है जिससे कि सेम पावर आउटपुट ऑब्टेन की जा सकती है? जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि दिस इज अ सेल ऑफ ईएमएफ, लेट्स से 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम. द गिवन सेल गिव्स अ पावर आउटपुट पी when an external resistor of 4 ohm is connected across it. Find the external resistor that must be used when find the external resistor that must be used for which same power output from the same cell can be obtained. Okay, bas sunna aati beta. Hello. Yes, sir. तो 9 आएगा ना?
हाँ बेटे, इसका आंसर क्या आएगा? 9 ओम आएगा, है ना? बेसिकली हम लिखेंगे R1 into R2 is R square. That means एक रेजिस्टर तो कितना था? 4 ओम. और दूसरा हमें पता लगाना है, तो सेम पावर आउटपुट के लिए ये 6 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो R2 की वैल्यू 9 ओम के बराबर आ जाएगी. क्या बात समझ में आ रही? और आप चाहो तो देखो इसको वेरीफाई करके देख सकते हो. जैसे जब हमने 4 ओम का रेजिस्टर लगाया, एक 10 वोल्ट की बैटरी है और एक 6 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक मैंने 9 ओम का रेजिस्टर लगाया, 10 वोल्ट की बैटरी और 6 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहां पर करंट कितना फ्लो करेगा? 10/10 मतलब 1 एम्पियर. और यहां पे करंट कितना फ्लो करेगा? 10/15 मतलब 2/3 एम्पियर. इसमें पावर आउटपुट क्या लिख सकते हो? 1 square into 4 तो क्या 4 वॉट का आ जाएगा. और यहाँ पे पावर आउटपुट को क्या लिख सकते हो? 4 वॉट आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की जो बैटरी है वो दो अलग अलग रेजिस्टर के साथ सेम पावर आउटपुट दे सकती है आपको, अगर R1 R2 की वैल्यू R स्क्वायर के बराबर है. तो जैसे इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव बैटरी, तो उसका आंसर क्या होता है? तो मैक्सिमम पावर आउटपुट का फॉर्मूला E²/4R होता है. तो ये कितना आ जाएगा बेटे? 25.6 वोल्ट.
और इसके लिए आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना यूज करना पड़ेगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 6 ओम. सिक्स ओम आएगा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए ना. ओके सर. ओके है ना. एक्सटर्नल रेजिस्टर किसके बराबर होना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस. अच्छा लेकिन ध्यान दो बच्चों, अगर कोई इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ ले मान लो आपको कहा जाए कि 10 वोल्ट और आर इंटरनल रेजिस्टेंस की सेल है और इसको मैंने किसी 5 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट किया है, तो हमसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर फॉर विच मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम द सेल कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर विच मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम द सेल कैन बी. इसका क्या आंसर आएगा बेटे? 5. कोई कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू स्मॉल आर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. अच्छा किसी को कोई और भी आंसर पॉसिबल लगता है क्या? जीरो. जीरो. जीरो इज द करेक्ट आंसर. स्मॉल आर की क्या वैल्यू हो जानी चाहिए बेटे? 0. देखो यहां पे आप लिखो करंट का एक्सप्रेशन लिखो तो करंट 10 अपॉन आर प्लस 5 ऐसा आ जाएगा और पावर आउटपुट जो भी सेल का होगा वही ये कंज्यूम करेगा तो वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर मतलब 10 अपॉन आर प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर दैट इज 5. नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन ऑफ पावर आउटपुट. आप देखिए इसको मैक्सिमम करने के लिए न्यूमरेटर तो चेंज हो ही नहीं रहा है तो डेनोमिनेटर को मिनिमम कर दें तो पावर आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगा.
और ये डेनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू कब आएगी बेटे बताओ? क्या हम बोल सकते हैं पावर आउटपुट विल बी मैक्सिमम इफ स्मॉल आर इज जीरो? बोलिए भाई। नहीं देखो, वो जो हमने पूरा एनालिसिस किया था कि कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर वाला वो सब, उसमें उसमें एक बात फिक्स थी। क्या फिक्स थी? इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स था, उसके नॉन जीरो था इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर चॉइस है इंटरनल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने की, तो उसको जीरो ही करो ना। फिर समझ आ रही है बात बच्चों? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अच्छा और देखिए, मान लो हमसे कहा जाए कि इतना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये एक बैटरी हमें दी गई है और इसका हमें दिया गया है कि ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, और इसके साथ क्या है, एक रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड। ये मान लो है R और ये है कितना 1, तो हमें पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R फॉर विच दो पार्ट है इसके। मैक्सिमम पावर आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, दूसरा पावर कंज्यूम्ड बाय कैपिटल आर इज मैक्सिमम। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताओ क्या क्या आएगा। तो पहले पार्ट के लिए क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टर बना सकता हूं और बोल सकता हूं कि एक बैटरी है
दो ओम इंटरनल रेजिस्टेंस की जो कि आर प्लस वन ओम के साथ कनेक्टेड है ना, तो पावर आउटपुट विल बी मैक्सिमम इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो क्या मैं 2 ओम को आर प्लस वन के बराबर ओम के बराबर लिख सकता हूँ? तो R की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी ना, ये बात समझ में आ रही है। दूसरा पार्ट के लिए क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के लिए हम ये जो वन ओम का रेजिस्टर है इसको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ही मान लेंगे और सिचुएशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास जो स्टैंडर्ड सिचुएशन है उसमें। तो क्या इसमें बोल सकता हूँ कि कैपिटल आर इक्वल टू 3 ओम रखने से काम चल जाएगा? ठीक है मैं आऊंगा, नहीं वो भी अभी कराऊंगा। आपका वैसे क्या करेबल है ना, हाँ तो 12:30 के बाद बेटे। क्या इसमें हम बोल सकते हैं कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू 3 ओम? भाई देखो आप सिंपल तरीके से सोचो कि पावर सप्लाइड बाय सेल अगर मेरे को लिखना है तो क्या इसको पावर कंज्यूम्ड बाय आर प्लस वन ऐसा लिख सकते हैं? बोलो बेटे, जो सेल पावर सप्लाई करेगा वो ये दोनों मिलकर के कंज्यूम कर लेंगे पूरी की पूरी। यस सर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईएमएफ ई अपॉन आर प्लस वन प्लस टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन। आर प्लस वन को थोड़ी देर के लिए आप आर डैश मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन आर डैश प्लस टू का होल स्क्वायर इनटू आर डैश। तो क्या ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है बेटा, ई अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर, स्मॉल आर और ई फिक्स हो गए है ना? तो इसको आपको मैक्सिमाइज करना है तो क्या आप आर डैश को 2 लिख सकते हो, और आर डैश कितना है आर प्लस वन, तो आर प्लस वन इक्वल टू 2 आ गया, यानी आर की वैल्यू 1 ओम आ गई कि नहीं आ गई? क्या ये बात समझ में आ रही? यस सर। या फिर देखो
अगर हमसे कोई ये पूछे कि पावर कंज्यूम्ड बाय, जैसे अगले पार्ट में पूछा था कि सिर्फ कैपिटल आर का ही पावर कंज्यूम मैक्सिमम करना है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, करंट का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर, करंट तो वही रहेगा, मतलब 10 अपॉन कैपिटल आर प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लें, आर प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। तो क्या अब ये हमारे पास उस फॉर्म में आ गया, ई अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। बोलो बच्चों। Yes, तो क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू 3 ओम? है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को हमें देखो घुमा फिरा के इन दो तीन तरीकों से ही पूछा जा सकता है, है ना? तो अगर हमसे पूछे कि पावर आउटपुट ऑफ द बैटरी को मैक्सिमाइज करो, तो फिर क्या करना है हमें, बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जितना भी रेजिस्टेंस आ रहा है उस पूरे को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर देंगे। तो आर प्लस 1 इक्वल टू 2 कर दिया हमने। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टर की पावर आउटपुट को मैक्सिमाइज करने को बोला है, तो दूसरे रेजिस्टर को बैटरी का हिस्सा मान के फिर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लगा दें, है ना? लेकिन ये सब चीज तब जबकि वेरिएबल क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टर वेरिएबल है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट। समझ में आते बेटे? Yes, sir. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, बैटरी का कॉन्सेप्ट है। बाकी बच्चों अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं इसको, है ना? आप लोग जो है वो जो अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट है उसमें ईएमएफ ऑफ ए सेल तक के क्वेश्चंस जो है वो आप लोग कर सकते हो, मतलब बेसिकली सेक्शन ए बी सी आप लोग कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट है आप लोगों के पास? हाँ सर। ओके, ए बी सी सेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है केटीजी का डिस्कशन बचा है, तो केटीजी का डिस्कशन अगली क्लास में कर लें। हाँ सर, एक्सरसाइज 1। हाँ, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना? हाँ सर। ध्यान रखना तुम लोग हैं, मैं स्टार्ट करूं याद दिला देना डिस्कशन करना, ठीक है? तो जब भी हमारी ये क्लास होगी, है ना, इस वीक में होने ही वाली है वैसे, तो डिस्कशन।